लाहौर में मुस्लिम लीग नून के एमके बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला हुआ है। दो गोलियां लगने से लीगी एमपीए जख्मी हैं। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर हमला दाता दरबार के इलाके में हुआ। बिलाल यासीन कारकुन से मुलाकात करने के बाद वापस आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक गोली पेट और एक टांग में लगी, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने आई जी पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज ने भी ज्वाइन किया। वसीम बताएगा इस मामले से मुतालिक मज़ीद तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। जी देखिए, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। ये थाना दाता दरबार की हदूद मोहनी रोड है, जहां पर ये वाकया पेश आया। बिलाल यासीन जो कि मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, वो एक कारकुन से मीटिंग के बाद जब वापस अपने घर आ रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद ने जब इन पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हुए और उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, ताहम उनको तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। इस वाके के बाद एसपी सिटी हफीजुर रहमान पुक्टी पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे, जाए कुआ से शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जो आईजी पंजाब है उन्होंने सीसीपीओ लाहौर से और सीसीपीओ ने डीआईजी ऑपरेशन से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली और ये अहकाम जारी किए हैं कि वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की जाए, सेफ सिटी की मदद से मुलजिमान की शनाख्त जो है वो फिलफौर की जाए और जो मुलजिमान फायरिंग में मुलविस है इनकी शनाख्त करने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की नफरी इजाफी नफरी अस्पताल भी पहुंचा दी गई है, क्योंकि जैसे ही ये इतला मिली तो लीगी कारकुन जो है वो भी अस्पताल पहुंच गए और उनके अपने अजीजों कारीब जो है वो भी बड़ी तादाद में न्यू अस्पताल पहुंच चुके हैं। अस्पताल में भी पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है, जबकि जाए वकुआ पर फ्रांसी की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और आसपास की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो हासिल की जा रही हैं। ये बिलाल यासीन का हलका है, उनके रिहायशी भी इसी इलाके में है जहाँ ये वाकया पेश आया। तहां पुलिस का कहना है की जल्द इसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, उसके बाद मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम।